कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र कितना बुलंद अल्लाह ने किया कि जहां अपने जिक्र को रखा वहां अपने जिक्र के साथ जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को रखा। आजान में, अकामत में, तशहुद में, जुमे के दिन, मिंबर पे, ईद के खुतबे में, अदहा के खुतबे में, अय्याम तशरीक में, यौम अरफा में, और जिमार के करीब, और सफा और मरवा पे, और खुतबे निकाह के अंदर, और मशारिक और मगारिब में जहां भी अपने जिक्र को बुलंद किया अपने जिक्र के साथ जिक्र मोहम्मद मुस्तफा को भी बुलंद फरमाया। और फरमाते हैं अगर एक शख्स सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहे और जन्नत की तस्दीक करे, दोजख की तस्दीक करे, मलाइका की तस्दीक करे, कयामत के दिन की तस्दीक करे और तमाम मुगैबात की तस्दीक करे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रिसालत की और आपकी खत्म नबुव्वत की अगर गवाही नहीं देता, उसने जितनी इबादत की, जितनी गवाहियां दी, वो सब इबादत राय गा जाएगी, वो सब गवाहियां बेकार जाएंगी अगर वो नबी पाक की रिसालत और खत्म नबुव्वत की गवाही नहीं देता।